तो कह रहा है कि तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी रेडियस मतलब सबसे बिगेस्ट सर्कल ये है और उनकी रेडियस एपी में है, तो ऑब्वियसली सबसे बिगेस्ट सर्कल ये है। बाकी तीनों की रेडियस जो है वो किस में आ रही है? एपी एपी में आ रही है। तो इसका मतलब बाकी सर्कल जो है इससे छोटे रहे होंगे, है ना? ऐसा सिचुएशन है। ये तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, तो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 दे रखी है कि नहीं? तो जो R1 सर्कल है उसकी रेडियस 1 है वन और बाकी सब इससे छोटे हैं, तो जो R2 सर्कल है वो 1 माइनस D होगा, माइनस और डी वन जो माइनस टू डी R3 सर्कल होगा वो 1 माइनस 2D होगा, और D जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी तो रेडियस छोटी होगी। अब कह रहा है कि एक लाइन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, वो कट करती है तीनों सर्कल को ना। द यस लाइन सर वाई इक्वल यस टू एक्स प्लस वन कट्स दी ऑल सर्कल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब जो ये लाइन है वो तीसरे वाले सर्कल की कॉर्ड हो जाए, बोलो, तो वो सबको टच कर जाएगी, हाँ या ना? तो बस तीसरे वाले सर्कल की कॉर्ड होनी चाहिए, बोलो। यानी कि लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन इज कॉर्ड फॉर सर्कल कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2D का होल स्क्वायर, है ना? अच्छा, कॉर्ड होने का तरीका क्या होता है? इससे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो D3 डिस्टेंस आएगा ये क्या आएगा बताओ? वन बाय रेडियस रूट टू सेकंड क्या आएगा? वाई और एक्स, यानी कि 1/√2। यस और ये किससे ग्रेटर होना चाहिए? इस सर्कल की रेडियस से छोटा हो जाना चाहिए, हाँ या ना? बोलो, ये R3 से लेस हो जाना चाहिए। खत्म हो गया क्वेश्चन, कर लोगे कि नहीं अब बताओ? इसका मतलब 1/√2 लेस देन 1 माइनस 2D, हाँ या ना? तो 2D जो है वो 1 माइनस 1/√2 से लेस, तो D जो है वो लेस होना चाहिए किससे? √2 माइनस 1/√2 से। इसका मतलब 2 माइनस √2/4 से। अच्छा, D पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, तो अभी हमने बताया, तो डी कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 2 माइनस √2/4। सी आंसर दिखा गया सबको भाई, क्या किया और क्यों किया, यही काम क्यों किया, बोलो। समझ गया होंगे? सीरीज ऐसा क्वेश्चन कह रहा है एकदम वैसे ही, कह रहा है कि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ दिस सर्कल इंटरसेक्ट अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सी एट 2 पॉइंट P एंड Q। टेंजेंट ड्रॉन सर्कल एक्स एट P एंड Q मीट्स एट पॉइंट ऑन दिस सर्कल। समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं बताओ? और उसके टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन दिस सर्कल, इसके किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट खींची है कि नहीं, और वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल सी, मतलब एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सी, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल और है क्या? सी, ये वाला, उसको वो कहाँ कट कर रही है बताओ? P और Q पे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ मान लो इस पॉइंट को A कहते हैं, A में हमने एक टेंजेंट डाली जो इसको कट कर रही है, और ये वाला जो सर्कल है पहला वाला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर कह रहा है कि द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स एट P एंड Q है ना मीट्स एट द पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब P और Q पे हमने क्या डाला? टेंजेंट्स P पे टेंजेंट डाली और Q पे टेंजेंट डाली, हाँ या ना? दोनों टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बताओ? दोनों टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एक बड़े वाले थर्ड सर्कल वाले पे, सर्कल पे, थर्ड वाला जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उस पे। देख लो सब लोग, यही तो है सिचुएशन, थर्ड वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है? देन द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, मतलब इस वाले सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो ये वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो श्योर है, बस हमें आर की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना? अच्छा, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस वाले पॉइंट, मान लो ये पॉइंट क्यू है, तो क्यू पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं? बी कॉस थीटा बी बी साइन कॉस थीटा थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अच्छा, इस पॉइंट से अगर आप देखो तो इस वाले सर्कल पे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है कि नहीं है? बोलो, अगर हम देखें तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, बोलो।
बोलो। अच्छा इसको Q डैश ले लो। हाँ पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम Q डैश टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो वो तो आपने लिखना सीखा ही t इक्वल टू जीरो, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां तक ओके हो ये बताओ। अरे बोलो यार। अच्छा इसके बाद पी क्यू जो है वो क्या है, टेंजेंट है फॉर सर्कल किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के, तो बस उसी के बराबर कर दो। तो इसका मतलब आर स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। यहाँ से आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी के। दिख रहा है कि नहीं सबको बताओ। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है कोई ऑप्शन ए। देखो समझ गए होंगे सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताइए। नहीं नहीं था भाई, हमें सर्किल के सेंटर का लोकस निकालना है। मान लेते हैं सेंटर क्या है, एच कॉमा के, तो और सर्कल कहां से पास कर रहा है बोलो, ए कॉमा बी से। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। इसी को ओपन कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या बचेगा बाकी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर यहाँ बी आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एच ए माइनस टू के बी। देखो क्या यही सर्किल आ रहा है बोलो, है ना, और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है किसके साथ बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अरे हाँ है ना। अच्छा ये वाला के अलग है, ये वाला के जो है ना वो क्या है, कैपिटल के है, ठीक है ना। तो अब दोनों से क्या निकाल लो, कंडीशन लगा दो, तो माइनस टू एच इंटू जीरो माइनस टू के इंटू जीरो इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए वन प्लस सी वन प्लस सी टू। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एच ए माइनस टू के बी और माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है लोकस का बोलो, टू एक्स ए प्लस टू वाई बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या माइनस के स्क्वायर बोलो भाई, सब प्लस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं ना, इज जीरो, ये आंसर आ रहा है। देखो है कोई ऑप्शन क्या है ना, ए बी प्लस आ रहा है क्या, प्लस अच्छा माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कौन सा आंसर है ये, ए। तरीका समझ में आया कि नहीं, सेंटर का लोकस निकालना है, सर्कल इससे पास कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन तो आराम से लिख ही लेंगे, सेंटर और एक पॉइंट पता है तो, ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है, बस ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाएंगे एच के का लोकस आ जाएगा। ये के दूसरा है ध्यान रखिएगा, समझ गया कि नहीं बताओ बोलो। क्वेश्चन ये है कि एक ये सर्कल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, समझ रहे हो कि नहीं, और एक ये लैम्डा वाला सर्कल है, अरे हाँ या ना बताओ, ये वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन यानी कि माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन बस समझने वाली बात है, दूसरा सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस सिक्स इंटू एक्स और एट माइनस टू लैम्डा इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दोनों सर्कल जिन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे आपने किसकी पहले टेंजेंट खींची है ये बताओ, पहले वाले सर्कल के लिए, उन दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस आपको निकालना है। अगर ये पॉइंट पी एच कॉमा के है तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी,
बताओ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम पी एच कॉमा के टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो। क्या ये एक्स एच प्लस के वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो होगी कि नहीं बताओ? और यही जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी वही क्या होगी? कॉमन कॉर्ड। तो अगर मैं कॉमन कॉर्ड इस दोनों सर्किल की निकालूं, दिख रही कि नहीं, ये दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग है ना, तो यही लाइन कॉमन कॉर्ड होगी कि नहीं बताओ? तो वो हो जाएगी एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब लैम्डा प्लस सिक्स इंटू एक्स और प्लस टू लैम्डा माइनस एट इंटू वाई बोलो और प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखो, अरे हाँ या ना, यही होगा कि नहीं बताओ, बोलो भाई। अच्छा, ये दोनों लाइनें कैसी हैं बताओ, बोलो कॉइंसाइड कर रही कि नहीं कोइंसाइडिंग बताओ भाई। अगर कॉइंसाइडिंग है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, बस वही उठा के सेम कर लो। एच अपॉन लैम्डा प्लस सिक्स के अपॉन टू लैम्डा माइनस एट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू होगा। पहले वाले से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? लैम्डा प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू एच। लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स माइनस टू एच। दूसरे से निकालोगे तो टू के वो भी माइनस का इक्वल टू टू लैम्डा माइनस एट। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, बोलिए भाई। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर माइनस के। देखो दोनों लैम्डा बराबर कर दो तो इसका मतलब सिक्स माइनस टू एच माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर माइनस के। सब एक तरफ ले आओ तो लोकस क्या आ रहा है एच के का बताओ? टू एक्स माइनस वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो है। कोई ऑप्शन क्या बोलो? टू एक्स माइनस वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, ए आंसर आ रहा है। दिखा क्या भाई सबको, बोलो सर, एक बार फर्स्ट स्टेप में क्या क्या वो बता दीजिए कहाँ पे बेटा बताओ। अरे सर, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सर। भाई साहब, इस पॉइंट से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई ना, दो टेंजेंट डाली गई है। कॉर्ड यस सर, ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन क्या होती है? टी यस सर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन टी इक्वल टू इक्वल जीरो। टू जीरो। इस पॉइंट से इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है कि नहीं ये बताओ, यस सर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है कि नहीं? यस सर है, कॉमन कॉर्ड है कि नहीं? तो दोनों लाइन समझ साइड गया सर। करेंगे कि नहीं बोलो? यस सर, ठीक। बस वही कंडीशन लगाई। अरे हाँ या ना बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो प्लीज इन्फॉर्म करिए। समझ गया सब लोग? चलिए बात हो गई खत्म। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कांस्टेंट है, याद आया? और वो सर्कल ओरिजिन से पास करता है और एक्सिस को ए और बी पे कट करता है। दिखा सबको कि नहीं? बोलिए। ऐसा एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। तो ये जो ए बी लाइन है वो उसकी डायमीटर होगी कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर, यस ये सर, बी जो लाइन होगी, सॉरी, पी और क्यू पे कट कर रहा है। हाँ, तो ये जो पी क्यू लाइन होगी वो इसकी डायमीटर होगी कि नहीं होगी, बस ये बताओ। अच्छा, ओरिजिन से इस पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा। इसी पॉइंट को एच के कह देते हैं, हाँ या ना? तो बताओ, इस लाइन, अगर मैं इस पॉइंट को एच के कह दूं और ये पॉइंट कह दूं ए, तो ओ ए लाइन का स्लोप कितना होगा? जल्दी बताओ। के कॉमा एच ए बाई एच होगा। तो पी क्यू लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस एच कॉमा के माइनस एच बाई के। तो माइनस इक्वेशन ऑफ पी क्यू कितनी होगी? y माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के बाई एच। अरे हाँ, सॉरी, माइनस एच बाई के होगी कि नहीं होगी बताओ। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, के वाई प्लस एक्स एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बोलो। तो यानी कि x अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच, y अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के इक्वल टू वन। तो p पॉइंट कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच कॉमा जीरो। और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? जीरो कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। यहां तक समझ में आया? अच्छा, पी क्यू लाइन कितनी दे रखी है? डायमीटर है ना, बोलो है कि नहीं? तो पी क्यू की लेंथ टू ए होगी कि नहीं बताओ। और यहां से पी क्यू की लेंथ कितनी आएगी? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच का होल स्क्वायर।
और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर, यही आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर किया कॉमन, अंदर बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर के स्क्वायर। बोलो तो आंसर क्या आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा आंसर ऐसे ही छोड़ देना है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आ गया ना आंसर। बोलो भाई यस सर, आंसर इसी के टर्म में छोड़ दो तो बस यहीं पे लोकस लिख दो, लोकस क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। है कोई ऑप्शन क्या, तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ भाई, का होल स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, सी आंसर आ रहा। देखो समझ गए कि नहीं, तो जब भी ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना होगा तो एक पॉइंट ये मिल गया इस लाइन का स्लोप, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल गया, स्लोप और पॉइंट लेके हमेशा इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ पता है, तो अगर हमें ये दोनों पॉइंट एचके के टर्म में मिल जाए तो हम इस लेंथ का यूज कर सकते हैं। बस हमने ये दोनों पॉइंट एचके के टर्म में निकाल लिए, जैसे ये दोनों पॉइंट एचके के टर्म में आया सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने अपना आंसर। क्या ये पूरी कहानी सभी लोगों को समझ में आई, ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन में क्या किया क्यों किया और यही काम क्यों किया बताओ भाई। यस सर, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो ना, देखो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। बोलो ये कुछ सर्कल हो गया तो ये कहाँ कट करेगा, 4,0, 0,4 पे। अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन वो कोई ऐसी एक लाइन है, मान ली कि नहीं, ये लाइन है एक्स प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू 0, तो एन कहाँ तक जा रहा है बस ये देखो, तो सर्किल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डी होगा वो कितना होगा बताओ, वो होगा मॉड एन बाई रूट टू ना। बोलो यस सर, और ये कह रहा है कि ये लाइन जो है वो कॉर्ड होनी चाहिए, ये लाइन कॉर्ड कब तक बनेगी, जब तक डी जो है वो किसके बराबर होगा, सॉरी छोटा होगा किससे, रेडियस से। अच्छा रेडियस जो है वो सर्किल की 4 है, तो इसका मतलब एन बाई रूट टू जो है वो 4 से लेस होना चाहिए, एन जो है वो 4 रूट टू से लेस होना चाहिए। अच्छा एन एक नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब एन जो है वो क्या होना चाहिए, 4 रूट टू से लेस होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, अरे हाँ या ना, यस यस की ये वैल्यू हो सकती है। अब आपसे क्या कहा गया, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, 2 अंडर रूट, हाँ भाई 2 अंडर रेडियस माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, yes, तो इसका मतलब 2 अंडर रूट आर कितना है आपका 16 माइनस डी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर बाई 4 सॉरी 2 यस सर 2 एन स्क्वायर बाई 2 2। अच्छा स्क्वायर का लेंथ चाहिए हमें, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 से लेके कहां तक ले जानी है 5 तक, और हमें 4 16 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 ही सॉल्व करना है। बोलो बस ये सब निकालना है, दिखा सबको कि नहीं बताओ। अरे सर ये समेशन एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन सा कैसे आया, क्या पूछ रहे हो, ये सम कैसे आया ये पूछ रहे हो क्या, यस भाई किसी नहीं सर ये समेशन वाला सर, लिमिट जॉब n इक्वल टू 1 से 5, अरे n की वैल्यू 1 से 5 है ना बेटा, एक बार 1 रखोगे एक बार 2 रखोगे, 1 वाली कॉर्ड 2 वाली कॉर्ड 3 वाली कॉर्ड 4 वाली कॉर्ड 5 वाली कॉर्ड सब पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम चाहिए ना, n की वैल्यू वेरी करा देते हैं, नहीं समझे, समझ गए सर, आप तो इसका सम निकाल लेंगे ना सब लोग, यस सर 64 into 5 ही आ जाएगा, और 2 n स्क्वायर का सम क्या होगा 5 into 6 into 11 by 6, क्या कहते हो, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं से आंसर आ जाता है मेरे हिसाब से, आ जाएगा 210 आ रहा है क्या, यस सर आसान था क्वेश्चन, बस ये जज करना था कि n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, एक बार ये जज हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, बाकी आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं ये बताओ, तो पहली चीज तो ये समझेंगे कि पोल और पोलर होते क्या है किसी भी सर्कल के लिए, ठीक है ना, तो होता क्या है कि एक पॉइंट है लेट पी एक्स वन कॉमा वाई वन इज अ गिवन पॉइंट, है ना, तो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉन
through P which cuts the circle S is equals to 0 at two points. ठीक है ना? Then locus of point of intersection of tangent at that point is called polar for the pole point P. मतलब उस केस में इस P पॉइंट को हम पोल कहते हैं और उस लोकस वाली लाइन को हम कहते हैं पोलर. मतलब लैंग्वेज वाइज ये था कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है ना, एक पॉइंट P कहीं भी है, इनसाइड आउटसाइड डजंट मैटर, बट सर्कल का सेंटर नहीं है बस, क्योंकि अभी क्यों नहीं है वो अभी आएंगे. इससे इस सर्कल पे आप कितनी लाइनें खींच सकते हो? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस खींच सकते हो कि नहीं, ये समझाओ मुझे. खींच सकते हैं सब लोग कि नहीं, बताओ. अच्छा, जो ये इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आप खींच रहे हैं, इसमें से आप कोई भी दो लाइन लेंगे, जहां पे कट करी होगी वहां पे आप टेंजेंट खींच सकते हो कि नहीं, बोलो. कोई भी दो लाइन लेके आप टेंजेंट खींच सकते हो कि नहीं, बताओ. यस. तो इन जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ज्वाइन करने वाला एक लोकस आएगा. आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ. इसी लोकस को ही हम क्या कहते हैं, बोलो, पोल. ये वाला पॉइंट पी क्या होता है? पोल होता है. और ये लाइन ही क्या होती है? पोलर. पोलर फॉर पॉइंट. अब ध्यान से देखो, इसमें से एक लाइन ऐसी आएगी जो यहां टच कर रही होगी, एक लाइन ऐसी आएगी जो इसको टच कर रही होगी, क्योंकि दो टेंजेंट भी होंगी ना, बोलो. इन्हीं दोनों टेंजेंट्स से भी ये पोलर लाइन पास कर रही होगी. कर रही होगी कि नहीं, बताओ. अरे हाँ या ना, नहीं समझे, बोलो. कर रही होगी कि नहीं, ये बताओ. तो इसी पोलर की इक्वेशन को हम P इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ, बोलो. यस. Yes. दूसरा तरीका देखो, इस पॉइंट का लोकस आपको चाहिए, इस पॉइंट को आप H कॉमा K कह दो. ये पॉइंट आपको X1 कॉमा Y1 पता ही है. सर्कल की इक्वेशन है S इक्वल टू जीरो, मतलब X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू जीरो. HK से आपने HK से दो टेंजेंट डाली है, हाँ है ना, उन दोनों टेंजेंट से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आप खींच रहे हो, बोलो. इसका मतलब अगर मैं आपसे लिखूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम H कॉमा K टू सर्कल S इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा बताओ? एच एक्स प्लस के वाई प्लस जी एक्स प्लस एच प्लस एफ के प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. और यही कहां से पास कर रही है, बोलो, एक्स वन कॉमा वाई वन से. जैसे ही लाई कराओगे एक्स वन कॉमा वाई वन, तो क्या आएगा बताओ? एक्स वन एच वाई वन के प्लस जी एक्स वन प्लस एच प्लस एफ वाई वन प्लस के प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब लोकस ऑफ एच कॉमा के क्या लिखोगे, बोलो? एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो. क्या यही पोल है, बोलो? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर पोल एक्स वन कॉमा वाई वन फॉर सर्कल एस इक्वल टू जीरो इज क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो. मेरी बात समझ गए कि नहीं, बताओ. अरे हाँ या ना, पोल किसे कहते हैं, बात समझ में आई सबको कि नहीं, बताओ, बोलो भाई. पोल किसे कहते हैं, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो. यस सर.
अब पोल का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, समझ में आया कि नहीं? पोल ये पॉइंट है, इससे बहुत सारी लाइनें खींची जाएंगी, जो लाइनें सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही होंगी, हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, उन सारी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके जो लोकस बनेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, पोलर, इस पॉइंट पोल के रेफरेंस में। क्लियर है? अब बताओ, मैंने आपसे कहा था ना सेंटर पोल नहीं बन सकता, बोलो, ये ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ सर्कल नेवर बी पोल फॉर, सेंटर ऑफ सर्कल नेवर बी पोल, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। क्यों, सोच के बताओ, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल जो है उससे कभी भी पोल, मतलब पोल नहीं बना सकते, क्योंकि उससे पोलर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या एग्जिस्ट नहीं करता, पोलर, यानी कि इक्वेशन ऑफ पोलर डज नॉट एग्जिस्ट। सोच के देखो ऐसा क्यों होता है, समझ में आया किसी को, बताओ। सर सेंटर से टेंजेंट भी तो नहीं जा सकती? नहीं नहीं, सेंटर से आप जब भी लाइनें ड्रॉ करेंगे बेटा, तो उन लाइनों पे जो टेंजेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, उन लाइनों के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, अच्छा ये क्या होगी बताओ, और दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो वो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं बनेगा तो उनको ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। भाई हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से लाइनें खींच रहे हैं ना, उन लाइनें जहां सर्किल को कट कर रही है उन पे टेंजेंट खींच रहे हैं, उन्हीं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैच करते हुए हम लोकस खींच रहे हैं। अब क्या है कि टेंजेंट, मान लो ये पोल है, पोल से तो लाइनें खींच दी, वो सर्किल को जहां कट कर रही है वहां पे टेंजेंट खींची, वो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो हम किस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे किसी पॉइंट को ज्वाइन, इसीलिए हम कभी क्या नहीं खींच पाएंगे, बताओ, बोलो, इसीलिए हम कभी क्या नहीं खींच पाएंगे, बताओ, पोल, पोल। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बताओ। अच्छा अब एक सवाल, अगर हमें पोलर की इक्वेशन दी है तो क्या हम पोल निकाल सकते हैं, बोलो, अगर हमें पोलर की इक्वेशन दी हुई है तो क्या हम पोल निकाल सकते हैं, बताओ, बोलो। जैसे अगर हमें पोल दिया है तो t इक्वल टू जीरो लिख के हम पोलर बता देंगे, तो बताओ अगर हमें पोलर दिया है तो हम पोल का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी बताओ, बताओ भाई, सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, हाँ कहाँ पे, ये नहीं सर ऊपर वो कॉन्सेप्ट, वो कैलकुलेशन सर, वो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग सर, 4/3 और 8/3, हाँ, लेट x1 y1 इज पोल, तो x x1 + y y1 - 4 इज पोलर, और यही पोलर हमें क्या दिया हुआ है, x + 2y - 3 = 0, ये दोनों क्या है, वन साइड्स हैं कि नहीं बताओ, तो x1 / 1 y1 / 2 = 4/3 है, x1 आ गया 4/3 और y1 आ गया 8/3, बोलो भाई क्या यही आंसर आ रहा है, बताओ, किसी ने सॉल्व किया तो यही आ रहा होगा, बोलो भाई, हम पोलर अगर हमें पता है तो हम पोल निकाल सकते हैं कि नहीं, अब बताओ, और अगर पोल पता है तो पोलर निकाल सकते हैं, अब कोई डाउट हो तो बोलो, तो क्या होता है कि ना, आंसर इज ए, नहीं समझे, देखो क्वेश्चन ये कहा गया था कि एक सर्कल है दैट इज x² + y² = 4, ठीक है, एक पॉइंट लिया गया 1, 1, मान लो ये हमने एक्सिस वगैरह सब खींच दी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट 1, 1 लिया गया, इससे एक लाइन खींची गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोलो दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ, यस सर, और एक लाइन खींची गई पैरेलल टू वाई एक्सिस,
बोलो, दिख रहा होगा सबको? यस सर। और एक लाइन खींची गई किस स्लोप की? माइनस वन एन 180। सही है ना? मतलब ये तो मैंने ज्योमेट्री वाइज बताई। पहली वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ कट कर रही है सर्कल को? E1 E2 पे। E1 E2। और ये वाली F1 F2 पे? Yes, G1 G2 सॉरी F1 F2 सर, ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाली। और ये वाली शायद कट कर रही है G1 G2 पे? G1 G2 ना? Yes, sir. तो अब ऐसा क्वेश्चन हो गया कि ये एक पॉइंट है 1,1 जिससे आपने तीन लाइनें खींच दी, फिर तीनों लाइनों के एंड पॉइंट पे हमने क्या खींचा है? टेंजेंट। तो भाई इस पे जो टेंजेंट खींची वो कट कर रही है, इस पे जो टेंजेंट खींची वो कहीं कट कर रही है, और इस पे जो टेंजेंट खींची वो कहीं कट कर रही है। तो क्या ये तीनों जो लाइनें हैं वो एक लाइन पे लाई करेंगे कि नहीं, और उसी लाइन को आप क्या कहेंगे? पोल। पोलर। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब E3 F3 and G3 लाई ऑन पोलर। अच्छा, तीन पॉइंट से एक यूनिक पोलर पास करता है कि नहीं? यस सर। यस सर, क्योंकि लाइन तो एक यूनिक होगी ना, तो 1,1 से बस पोलर की इक्वेशन लिख दो, तो वो x into 1 y into 1 equal to 4, तो x + y = 4 आ जाएगा आंसर। तो ये तीनों किस लोकस पे लाई करेंगे, किस कर्व पे लाई करेंगे? पोलर पे। देखा, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में डेंजरस था कि नहीं? कहीं भी पोलर ऐसे वर्ड का नाम यूज हुआ ये बताओ? नो सर। बट लोकस है क्या? पोलर। पोलर। ये इस क्वेश्चन की स्मार्टनेस थी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ। यस सर। समझ गए कि नहीं? कहां पर क्या चीज कैसे यूज करके कहां आपको फंसाया गया, बात समझे? बोलिए भाई। यस सर। यस, समझ रहे होंगे सब लोग, बस वही लोकस आपको निकालना था। अच्छा, अगला वाला पढ़ो जरा क्या करा। सेकंड क्वेश्चन 30, वो भी एकदम आसान सा क्वेश्चन। 29 दिखा, जे एडवांस का कितना जरा सी क्वेश्चन था ये। 30 पढ़ो जरा, देखें 30 में क्या करोगे। 30 पढ़ा था कि नहीं? No. पहली लाइन में क्या कहा गया है कि P be the point on circle S जिसका circle S क्या है? x² + y² = 4 ना, तो इस पर एक पॉइंट P क्या लिखोगे? बोलो। 2 cos θ 2 sin θ। इसी पर आपने क्या खींची है? टेंजेंट। टेंजेंट। ये एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? इसी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस x = 0 और 0.2 के सर इक्वेशन निकाल के उसमें रख देंगे। टेंजेंट, टेंजेंट लिखो। तो 2 cos θ (x) + 2 sin θ (y) = 4। इसका मतलब x / 2 sec θ + y / 2 cos θ = 1। ये m वाला पॉइंट कितना हो गया? 2 sec θ, 0। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 0, 2 cosθ। इसी का मिड पॉइंट निकाल लो, तो 2h कितना आ गया? θ, cosθ। 2 sec θ, और 2k कितना आ गया? 2 cosθ। 2 cosθ, तो यहां से cosθ कितना आ जाएगा बताओ? 1/h² + 1/k² = 1 हो गया। ये आंसर होना चाहिए। तो लोकस कितना आ गया बताओ? x^-2 y^-2 = 1 है कोई ऑप्शन? या 1/x² कौन सा डी आंसर हो गया? बोलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? x² + y² = x² y² दिखा कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये बताओ, आसान था कि नहीं? जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते चलेगा। P be the point on circle S, S पे हमने एक टेंजेंट डाली, वो टेंजेंट जहां कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उसके मिड पॉइंट का लोकस ही है। P पॉइंट पैरामेट्रिक मिलेंगे तुरंत, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे t = 0, वहां से m और n पॉइंट निकाल के उसके मिड पॉइंट को ले लेंगे hk, और वहां से cos और sin निकाल के थीटा एलिमिनेट कर देंगे। देखा, ये एडवांस का क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। यस सर, कितना आसान था बताओ? थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन आप आराम से करते चलेंगे। दिख रहा होगा? बोलो भाई, सिखाता हूं इस क्वेश्चन की ब्यूटी। पहली लाइन पढ़ी, टी इज द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू से पास करने वाली एक लाइन है टी। पहली लाइन तो एकदम स्मूथ है। अब आगे बढ़ते हैं,
लेट एफ वन बी दी सेट ऑफ पेयर ऑफ सर्कल्स एस वन एस टू, मतलब एफ वन जो है वो पेयर ऑफ, बहुत सारे पेयर हैं सर्कल के, उसमें से एस वन एस टू एक पेयर है, ऐसे एस टू एस थ्री एस फोर एस बहुत सारे पेयर है, तो एस वन एस टू पेयर टाइप के जो सर्कल लेंगे उन सारे सर्कल के सेट को हम कहेंगे एफ वन, ठीक। अच्छा उसकी खासियत क्या है, टी बी दी टेंजेंट एट एस वन एट पी, मतलब ये जो लाइन टी है वो एस वन की टेंजेंट है पी पे, एस टू की टेंजेंट है क्यू पे, यानी कि पी क्यू जो है वो एस वन एस टू की कॉमन टेंजेंट है, हाँ है ना। अच्छा एस वन और एस टू सर्कल जो है वो एक दूसरे को एम पे टच करते हैं, यहां तक पहली इंफॉर्मेशन खत्म। ये एक सर्कल है एस वन, ये एक सर्कल है एस टू, बोलो इन दोनों की टेंजेंट है पी क्यू, बोलो भाई ये है पी पॉइंट ये है क्यू पॉइंट, यहां तक एकदम समझ में आ रहा है सबको, बताओ। यस सर। ये हो गया टू कॉमा माइनस फाइव, और ये दोनों एक दूसरे को एम पे टच कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे एस वन एस टू होंगे कि नहीं, बोलो ऐसे बहुत सारे एस वन एस टू होंगे कि नहीं, तो ऐसे बहुत सारे एम आते जाएंगे, तो इसी एम पॉइंट का लोकस आपको बताना है। पहला लाइन यही तो है, इवन बी द रिप्रेजेंट ऑफ लोकस ऑफ एम, हाँ या ना, इवन जो है वो क्या है लोकस ऑफ एम। अब बताओ एम पॉइंट के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, बताओ जल्दी से, एम पॉइंट के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, बोलो याद करो। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इनकी कॉर्ड कॉमन टेंजेंट है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसका मतलब पी क्यू सेगमेंट एम पे क्या एंगल बनाता है 90। मान लेते हैं ये पी पॉइंट एच कॉमा के है कि नहीं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ एम क्यू और स्लोप ऑफ पी एम हमेशा माइनस वन होगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, होगा याद करो। यस सर। ये तो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है ना, मैंने बताई है आपको, बस यही इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में देखनी थी, क्वेश्चन हो गया खत्म, हाँ या ना, अरे बताओगे यार कुछ प्लीज बोलो, नहीं। यस सर। तो इसका मतलब लोकस क्या आ गया, इवन क्या आ गया, इवन बताओ, इवन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर और प्लस के वाई प्लस फाइव और वाई माइनस सेवन, यही आ रहा ना, बताओ। yes. तो क्या आएगा फाइनल आंसर में, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थर्टी फाइव, माइनस थर्टी फाइव तो प्लस माइनस थर्टी नाइन आएगा, देखो। यस सर, सही है। ये लोकस आ गया इवन, इवन लोकस मिल गया। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या ये लोकस एस सर्कल होगा, होगा yes, क्या इस पर पी और क्यू पॉइंट लाई करेंगे, यस यस सर, सोच समझ के जवाब दो, क्या इस पर पी और क्यू पॉइंट लाई करेंगे, ये जो M पॉइंट का लोकस है वो लोकस क्या है, ये जो PQ लाइन है वो M पे 90 एंगल बना रही है, तो क्या PQ लाइन P पे 90 एंगल बनाएगी, भूल गए ना फिर से, यस सर, PQ पॉइंट उस पे लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, याद आया है, मैंने आपको क्लास में पढ़ा, इसीलिए मैं आपको क्यों कहता, अरे बताओ यार, बस क्वेश्चन को आपको पढ़ना था, मेरी बात समझ गए सब लोग, बोलो भाई, नहीं समझे बताओ यार, समझे कि नहीं कुछ, yes, sir. गलत हो गया, क्या गलत हो गया बेटा, सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए नीचे, अगर आपको तीन लाइनें दे दूं मैं और आपसे मैं सर्कमसेंटर पूछूं तो आप पहले क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस सर, अभी तक आपके पास यही मेथड था, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या निकालोगे, बोलो सर, रेडियस, फिर तो वही पॉइंट, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे, फिर वही सेंटर रेडियस, बट ये काम हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधा ये लगाएंगे, समझे, क्यों,
भाई एल वन इक्वल टू जीरो एक लाइन होगी, एल टू इक्वल टू जीरो एक लाइन होगी, एल थ्री इक्वल टू जीरो एक लाइन होगी। हमने कर्व लिखा जो ए बी सी से पास करता है, सोचो कैसे। भाई ए पॉइंट ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं बोलो? यस यस। ए पॉइंट के लिए एल वन और एल थ्री क्या होंगे? जीरो जीरो। एल वन जीरो, एल थ्री जीरो, एल टू होगा अपने थ्री। समझ गए कि नहीं? ये देखो, अरे हाँ या ना। यस सर। ए पॉइंट के लिए कहाँ क्या लिख दिया मैंने? टू सर, वो एल टू होगा। टू होगा, एल थ्री आपने दो बार देखा सर। ट्राइंगल पे आपने जो लाइन की इक्वेशन लिखी है वो दिखा कि नहीं बताओ? तो लैम्डा और म्यू कुछ भी हो, ये जो ए पॉइंट है इस पे है कि नहीं बताओ? अच्छा, ऐसे बी पॉइंट इस पे है, ये दोनों जीरो। सी पॉइंट इस पे है। यस सर। इसका मतलब ये एक ऐसा कर्व लिखा है जो किन तीन पॉइंट से पास करता है? एबीसी। अगर एबीसी से पास करने वाला कर्व एक सर्कल हो जाए तो वो सर्कम सर्कल होगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये कर्व टू डिग्री कर्व होगा। टू डिग्री कर्व सर्कल कब होता है? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो। ये दोनों कंडीशन लगा के हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बोलो? ये लैम्डा और म्यू में आएंगी, वहां से लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे। एक बार लैम्डा और म्यू आ गया तो लैम्डा और म्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन बन जाएगी? सरकम सर्कल। मेरी बात समझ में आई? शॉर्ट टेक्निक क्लियर हुई कि नहीं? ये बताओ, ये कंडीशन ऑफ सर्कल लगाई है ना नीचे ब्रैकेट में? पहले हमने एक कर्व निकाला जो किन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, एबीसी से। फिर उसी कर्व को हमने क्या बना दिया? सर्कम सर्कल। सर्कल, और वो वही सर्कल होगा जो एबीसी से पास करने वाला, क्योंकि एबीसी तीन पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है। तो वो सर्कम सर्कल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं, ये बताओ मुझे। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब हमें ये सब काम कुछ नहीं करना, सीधा कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्लियर हुआ? सीधा ये इक्वेशन लिख देनी है, दो दो के पेयर में लैम्ब्डा और दो एक जगह लैम्ब्डा और म्यू ले लेना और सीधा उठा के आंसर लिख देना। क्या ये पूरा खेल समझ रहे हो सब लोग? नहीं बोलो? यस सर, समझ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक सर्कल है आपका, ट्रेंगल है आपका, जिसमें ये लाइन है x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और ये लाइन है 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ऐसे ये भी लाइन कुछ ले लो। सपोज ले लो x 2x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखो तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से तो नहीं पास कर रही ना, बस ये देख लो कॉन्करेंट नहीं है कि नहीं? अब ये एबीसी तीन पॉइंट है तो सरकम सर्कल क्या होगा बताओ? बोलो। टू एक्स प्लस वाई माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस वन, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वन 2x minus y plus 1, mu times of x plus y minus 1, 2x plus y minus 2 equal to 0. दिख रहा है सबको कि नहीं? अब coefficient of x square equal to coefficient of y square कर दो। तो x square y square coefficient कैसे बनेगा? 2x square जब 2x square से multiply होगा तो 4 आएगा। बोलो। फिर lambda x तो यहाँ से क्या आएगा? 2 lambda। यहां से क्या आएगा? 2 म्यू। बोलो। यस सर। फिर यहां से y स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस वन आएगा, यहां से शायद माइनस लैम्डा आता है, बोलो, और यहां से शायद प्लस म्यू आता है, बोलो। अरे दिखा? तो इसका मतलब 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू माइनस 5। ये पहली इक्वेशन आ गई। बोलो भाई। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो कर दो, तो पहले से कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना आएगा? जब ये 2x मल्टीप्लाई होगा इस y से और जब ये y मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? बोलो। प्लस 2 एंड माइनस 2। अरे हाँ या ना? इससे आएगा माइनस 2, इससे आएगा प्लस 2। यस सर। अच्छा इधर आओ, जब ये x मल्टीप्लाई होगा इससे y से तो माइनस 1 और लैम्डा, तो क्या ये माइनस लैम्डा हो गया? यस सर।
इसके बाद जब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, अरे हाँ या ना। इसके बाद इधर आओ, जब ये x मल्टीप्लाई होगा y से तो प्लस का म्यू होगा, और जब ये y मल्टीप्लाई होगा x से तो प्लस का 2 म्यू होगा, होगा कि नहीं। यहां से क्या बनेगी इक्वेशन, 3 म्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, अरे हाँ या ना। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे बताओ, बोलो भाई क्या निकाल लेंगे, म्यू एंड लैम्डा, और यही लैम्डा और म्यू कहां रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो, इक्वेशन ऑफ सरकम सरकम। प्रोसेस मेरा समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ, बोलो भाई। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई। अब इसमें सोचो भाई, कोई जरूरी नहीं कि मतलब चार पॉइंट से एक सर्कल पास करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सरकम सर्कल बनेगा तो की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चार लाइनें हैं, चार लाइनें जब होंगी तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रही होंगी, ऑब्वियसली चार लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो एक क्वाड्रिलेटरल तो बन ही जाएगा ना। बोलो, इन्हीं क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्कल आपको बताना है। तो एल वन इक्वल टू जीरो, एल टू इक्वल टू जीरो, एल थ्री इक्वल टू जीरो और एल फोर इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, एक ऐसा कर्व लिखा जो इन चार पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी डी से। देखो जरा ध्यान से, हाँ या ना, ए पॉइंट ये कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना। बी पॉइंट ये कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, सी पॉइंट ये कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। यस सर। डी पॉइंट ये कर्व सेटिस्फाई, हमने आमने सामने की लाइन ले ली है, दिखा कि नहीं, एल वन एल थ्री लैम्डा टाइम्स, एल टू एल फोर म्यू टाइम्स। अब अगर ये कर्व एबीसीडी चारों पॉइंट से लाई कर रहा है और एक सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इसमें सेम होगा और एक्स वाई का कोफिशियंट जीरो होगा, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। तरीका समझे कि नहीं, जस्ट लाइक जो आपने ट्रायंगल में किया हुआ यहाँ कर दिया। समझ में आ रहा है, पहले हम एक ऐसा कर्व लिख ले रहे हैं, बस उसी कर्व को सर्कल बना दे रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम लोग, यस सारी चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ।